बदले मुझे बेटी चाहिए। मैं इतने हाथ जोड़ती हूँ, मेरा न्याय किए, मेरे बेटे के पीछे मेरा न्याय कर दो, मेरा न्याय। क्या कोई पति पैसों की लालच में अपनी पत्नी की हत्या की साजिश रच सकता है? ये सुनकर आपको आश्चर्य लग रहा होगा, मगर ये सच है। गुजरात की सूरत पुलिस ने ऐसे ही मामले का खुलासा किया है। अब इस पति ने अपने साथी के मिलकर खुद की पत्नी की हत्या की साजिश कैसे रची और पुलिस ने इस पूरे मामले को कैसे सुलझाया, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। खबर पूरी दिखाने से पहले आप इन दोनों तस्वीरों को गौर से देखिए। एक तस्वीर में पति अनुज यादव अपनी पत्नी शालिनी यादव के साथ खड़ा नजर आ रहा है, जबकि दूसरी तस्वीर में शालिनी यादव अकेले खड़े नजर आ रही है। तस्वीरें देखकर आप इस बात को कतई नहीं समझ पाएंगे इस दंपति के जीवन में कोई कलह होगी। 8 जनवरी 2021 की सुबह सूरत के सारोली इलाके से शालिनी यादव का शव सड़क से बरामद हुआ था। शालिनी के पति अनुज यादव ने सूरत की पूना थाना पुलिस को उस वक्त बताया था कि वह पत्नी के साथ मॉर्निंग वॉक करने के लिए घर से निकला था। वह वॉक करते करते आगे निकल गया, तभी कोई अज्ञात वाहन ने शालिनी को टक्कर मार दी और जिसमें उसकी मौत हो गई थी। सूरत की पूना थाना पुलिस तो अनुज यादव द्वारा घटी गई एक्सीडेंट की कहानी पर यकीन कर गई थी, लेकिन शालिनी यादव की मौत को लेकर सूरत क्राइम ब्रांच को किसी ने खबर दी थी कि सूरत के पूना थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले सारोली कुंभारिया इलाके में हुए एक्सीडेंट में शालिनी यादव नामक महिला की मौत नहीं हुई, बल्कि वह उसके पति द्वारा साजिशन हत्या की गई है। सूरत क्राइम ब्रांच की तफ्तीश में भी वही सामने आया। क्राइम ब्रांच के ACP RR सरवैया ने बताया कि मृतक शालिनी यादव के पति मोहम्मद नईम और पप्पू इस्लाम के साथ मिलकर पत्नी का गला दबाकर उसे अधमरा कर दिया था, उसके बाद उस पर ट्रक चढ़ा दिया था। इसकी कबूलात मृतक महिला के पति अनुज सोहन सिंह यादव और उसके साथी मोहम्मद नईम और पप्पू इस्लाम ने भी कबूल कर ली है। क्राइम ब्रांच के SP RR सरवैया का कहना है कि घरेलू झगड़े और बीमा की बड़ी रकम पाने की चाह में अनुज ने अपनी पत्नी की हत्या का षड्यंत्र रचा था। इनका मरण हुआ है वो शालिनी के नाम पर इंश्योरेंस पॉलिसी थी, अच्छी खासी रकम की थी, और शालिनी के नाम से एक ट्रक की लोन भी थी। तो ये जो आप बता रहे हैं वो एंगल से भी हमारे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन या रजूआत आई थी, उस एंगल से भी क्राइम ब्रांच भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है और जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो पूरा पुलिस स्टेशन के PI है वो भी कर रहे हैं। जैसे ही इन लोगों को ज़्यादा पूछताछ की जाएगी और भी जितने भी क्लू है वो मिलते जाएंगे तो उसके अंदर पता चलेगा कि सही में जो कारण ये बता रहे हैं वो कारण है या इंश्योरेंस पॉलिसी पकाने के लिए उनकी वाइफ की हत्या की है, ये इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। तो अकस्मात का जो गुनाह दाखिल हुआ था तो प्रथम दृष्टि से तो अकस्मात ही लग रहा था, लेकिन उसके बाद परिवारजनों ने यहाँ के पुलिस ऑफिसर्स का भी कॉन्टेक्ट किया, मीडिया का भी कॉन्टेक्ट किया था, और जैसे ही पुलिस के पास हमारे पास क्राइम ब्रांच और पुलिस कमिश्नर साहब के पास भी ये इन्फॉर्मेशन आई कि इसके अंदर शायद अकस्मात नहीं है, हत्या भी हो सकती है, तो उसी ये सब कड़ियों को मिलाकर क्राइम ब्रांच की टीम एक्टिव हुई और पूरा जो मामला है ये सामने आया है। इसके लिए बहुत सारी कोशिश की गई, बहुत सारे एंगल्स को देखते हुए और पूछताछ की गई, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की गई जो मरने वाली बहन है उनके फैमिली मेम्बर्स के पास से, और जो मृत जो हत्या करने वाले हैं उनको भी रडार में रख के उनके अगल बगल वाले उनके जो रिश्तेदार उनको सबको पूछने के बाद हम वहाँ तक एक कंक्लूजन पर पहुँचे, जीरोइंग किया, फिर क्राइम ब्रांच में ला के पूछताछ करने के बाद दोनों ने यह बात कबूल की। सूरत क्राइम ब्रांच ने एक्सीडेंट के बहाने पत्नी की हत्या करने वाले पति अनुज यादव उसके साथ ही मोहम्मद नईम और पप्पू इस्लाम को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने शालिनी को अधमरा करने के बाद ट्रक से कुचला था। साथ ही में उस ट्रक को भी बरामद कर लिया गया है। मूलत UP के एटा जिला में रहने वाले अनुज यादव और शालिनी यादव की शादी 2007 में पारिवारिक रीति रिवाजों के साथ संपन्न हुई। यूपी में शादी करने के बाद अनुज यादव अपनी पत्नी शालिनी के साथ सूरत रहने आ गया था। सूरत में अनुज यादव के माता पिता पहले से ही रहते थे। पति अनुज यादव दहेज के लिए पत्नी शालिनी के साथ मारपीट भी करता था, जिसकी शिकायत शालिनी ने अपने माता पिता को भी की थी। शालिनी के पिता ने दहेज के रूप में 2 लाख रुपए भी दिए थे, पर फिर भी अनुज यादव और दहेज की मांग करता था। शालिनी के माता पिता को लगा आज नहीं तो कल अनुज समझ जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। 2 महीना पहले हमारे घर पे आई थी, 2 महीना पहले घर पे आई तब लड़की ने बताई थी कि माँ हमें मुझे ये मार सकते हैं, पापा हमको ये शक है कि इन्होंने हमारे नाम बीमा करा रखा है, हमको ये बिल्कुल शक है कि हमको ये मार देंगे, ये एक लड़की से शादी करना चाहते हैं, उसी के फोन में लगे रहते हैं, उसी के घर पे रहते हैं, उसी को मन्याता ले जाते हैं। उस दिन भी फोन लड़की ने शाम को किया, तब भी इन्होंने उसकी रिकॉर्डिंग रखा रखी है, मतलब इनका ये काम था। हमारी लड़की के पास कोई 2 साल 3 साल से फोन नहीं था बिल्कुल,
इसलिए हमको केवल एक ही साफ गुजारिश है कि माँ को मतलब न्याय मिलना चाहिए। हमको ये भी शक है कि उन्होंने हमारी बड़ी लड़की को मार दिया तो ये छोटी भी लड़की के साथ कुछ कर सकते हैं। इसलिए हमको भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे आदमी को दंड मिलना चाहिए। पेट भर के भोजन नहीं दिया, 15 दिन से जबरदस्ती इस बेटी को मेरी को घूमने ले जाता था। 5 बजे बेटी मेरी खाती थी, मैं नहीं जाऊंगी, जबरदस्ती खींच के गेट से बेड से और गेट तक खींच के ले जाता था कि चल जल्दी घूमने जा चली गई मेरी बेटी को। मेरी बेटी के बदले मुझे बेटी चाहिए। मैं इतने हाथ जोड़ती हूँ, मेरा न्याय किए, मेरे बेटी के पीछे मेरा न्याय कर दो, मेरा न्याय कर दो। सूरत की शालिनी यादव की एक्सीडेंट में मौत की पहली को हत्या के रूप में सुलझाना सूरत क्राइम ब्रांच के लिए कतई आसान नहीं था, लेकिन कहते हैं ना कि गुनहगार कितना भी होशियार क्यों ना हो, वो कोई ना कोई सुराग छोड़ ही देता है। और उन्हीं सुरागों को हासिल करके सूरत क्राइम ब्रांच ने अनुज यादव और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया है।